अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। आज ही हम जी आए हुए हैं यहाँ पर बादशाही मस्जिद में। अभी हम इंटर हुए हैं अंदर, और ये शाही किला का मेन एंट्रेंस है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ब्यूटीफुल व्यू है। इस वक्त सुबह के जो है वो तकरीबन सुबह के तो नहीं, आफ्टरनून हो चुका है, 2 बज चुके हैं। और हम आए हैं, एक दिन पहले भी हम आए थे, उस दिन बहुत रश था, तो हम लोग फिर चले गए बिकॉज ऑफ कोविड। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या व्यू हमें नज़र आता है। लेकिन ये मेन इंटरेस्ट है, जब आप आएंगे तो शुरू में आपको एक गुरुद्वारा भी मिलेगा। तो चलिए जी आगे चलते हैं। जी तो ये देखें जी, बादशाही मस्जिद का व्यू, ये देखें। अभी भी यहाँ पर काफ़ी बिजी लग रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अगर आम दिनों में भी आएँ, रेगुलर जब भी आप आएँ, आपको इसी तरह यहाँ पर जो है ना वो लोगों का रश नज़र आएगा। क्योंकि जितने भी लाहौर में लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो आज का हमारा जो विज़िट है वो है बादशाही मस्जिद का। आज मैं आपको वो दिखा रही हूँ, मैं भी पाकिस्तान आई हूँ, तो लाहौर में तो मेरा जो विज़िट था वो तो था 3 वीक का, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड मैंने, मेरी जो टिकट है वो एक्सटेंड हुई, और मैं अभी यहाँ पर अभी रहूँगी फरवरी तक। तो आपको जहाँ मैं जाऊँगी आपको इंशाल्लाह शेयर करवाऊँगी। तो हूँ तो मैं लंदन वाली फैमिली, लेकिन विज़िट आपको पाकिस्तान का करवा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन चल रही है पिछले 1 साल से, तो बहुत कम निकला जाता है। तो मैंने कहा चलें जहाँ जहाँ जाते हैं वो आपको दिखाते हैं, अपने साथ आपकी भी सैर हो जाएगी, हमारे साथ साथ रहिएगा। छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं, स्टॉल्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, चिकन रोल, समोसा रोल, डिफरेंट तरह की आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये आप देख सकते हैं, ये सामने जी इसकी मेन एंट्रेंस है बादशाही मस्जिद की, ब्यूटीफुल इसकी स्टेयर्स बिग, ये आप देख सकते हैं। ये अब हम इसके बिल्कुल सामने खड़े हैं, जो साथ इसके व्यू है वो ये है। ये साथ में कुछ एकेडमीज भी हैं, ये मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, इस्लामिक, यहाँ पर आपको पुराने नुस्खा जात मिल जाएंगे। ये देखें जी, ये जो खूबसूरत इसकी जो व्यू है, जो इसकी ये बना हुआ है, उन्होंने पार्टीशंस किए हुए हैं बीच में से। तो इसी तरह एक जगह है बारादरी, तो ये उसी से कुछ मिलता जुलता है। तो उन्होंने काफ़ी खूबसूरत जो है वो पूल, और व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा है। सामने जी वो बादशाह, वो देखें जी शाही किले का जी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से किसी ज़माने में जो था वो जो थे हाथी थे वो अंदर जाते थे, तो यहाँ से वो एंटर होने नहीं दे रहे हैं, और कह रहे थे कि आप पीछे दूसरी साइड से जाएंगे तो वो थोड़ा सा हटके है। तो लेकिन यहाँ से भी इसका व्यू है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल शाही किले के जो ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है, जहाँ से बादशाहों के हाथी और ये मेन सब जो था, और ऊपर जो था ना वो बादशाह खड़ा होकर वो सब कुछ व्यू करता था, उसके ठीक सामने अगर आप देखें तो बादशाही मस्जिद आपको नज़र आएगी। तो चलिए अब अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर का व्यू भी। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देखें, हम अब अंदर आ चुके हैं, ये मेन एंट्रेंस थी, एंट्रेंस से हम अंदर आए हैं। तो माशाल्लाह जी, ये जी व्यू है बादशाही मस्जिद, खूबसूरत व्यू, सुभान अल्लाह, दिल बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ, मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी, आई थिंक 8-9 ईयर, जब मैं 8-9 साल की थी, तब मैंने यहाँ विज़िट किया था अपने स्कूल ट्रिप के साथ। तो आज, हाँ आज जो है ना वो काफ़ी देर के बाद यहाँ पर आना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं, फैमिलीज जो आती हैं, वो यहाँ पर
निकाह का प्रोग्राम भी रखते हैं यहाँ पर। निकाह का जो है अगर आपने बुक करवाना है तो यहाँ पर निकाह के लिए भी आप आ सकते हैं। तो बड़ा वो एक ख़ास किस्म का एक वो बन जाता है कि भाई हमारा जो निकाह का जो रसूमात थी वो यहाँ पर अदा की गई हैं। ये हिस्ट्री जो है ये मुग़ल बादशाहों से इसका सिलसिला चलता आ रहा है, ये आप देखेंगे। तो चलें अब अंदर जाते हैं, अंदर का भी व्यू देखते हैं अंदर क्या है। जी फ्रेंड्स, तो ये हम जी अंदर आए हैं साइड पे। तो ये देखें जिस तरह ये सारे दरवाजे बने हुए हैं, खूबसूरत किस्म का वो देखें, क्या आर्ट का नाजर नमूना है। मैं क्या बता सकती इसके बारे में, तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ये स्पीचलेस हो जाता है इंसान देख के कि इतना खूबसूरत जो है ये। और साथ ही ये देखें ये जो व्यू है माशाल्लाह से, वो देखें दूर आपको यहाँ पर से मीनारे पाकिस्तान भी नज़र आएगा। ये देखें, ये देखें जी फ्रेंड्स, तो ये देखें खूबसूरत व्यू बादशाही मस्जिद का। ये जी हम मस्जिद के जो है वो अंदर बस अभी इंटर होने लगे हैं। इसके एंट्रेंस के आप देख सकते हैं, एक वो साइड है, ये है, इस तरह काफ़ी बनी हुई हैं। जो मेन है वो उधर है। तो आइए हम लोग मेन की तरफ जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए। ये जी व्यू है मॉस्क का अंदर से, बहुत लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अंदर अंधेरा है, लाइट का कोई इतना इंतज़ाम नहीं है। तो देखें ये जी हम लोग आ चुके हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माशाल्लाह जी, ये हम जिस वक्त बादशाही मस्जिद के अंदर इंटर हो चुके हैं। सुभानअल्लाह, सो ब्यूटीफुल फ्लोरिंग पैटर्न, हर चीज़ जो है वो अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ पर सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि ये इमाम साहब का यहाँ पर वो अजान। और इसके ऊपर जो क्वालिटी, जो मार्बल लगा हुआ है माशाल्लाह जी ज़बरदस्त, अभी तक उसकी क्वालिटी जो है, उस ज़माने में कितने ज़हीन लोग थे इंटेलिजेंट जिन्होंने ये सब कुछ जो है वो क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये नमाज की जो है टाइमिंग भी आ रही है सामने। जब अजान होती है तो लोग यहाँ पर फौरन इकट्ठे होते हैं। आप देख, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो
पत्थर के अंदर जो काम हुआ है, जो डिज़ाइन नक्शों निगारी की गई है, वो अपने आप में खुद एक मिसाल है। इसके बारे में तो अक्ल तंग रह जाती कि उस ज़माने में जो लोग थे वो कितने कारीगर थे और कितना खूबसूरत उन्होंने काम किया हुआ है। ये छत का मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ जी फ्रेंड्स। तो ये देखें, यहाँ पर एक ना एक फैमिली आई हुई है उनका यहाँ पर निकाह के लिए। तो ये देखें आप सब, ये जा रहे हैं अंदर। तो सिंपल सादगी के साथ, जैसे इस्लामिक तरीके से निकाह जो है, साइडों पे जो है ये बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं, जो लोग आते हैं वो यहाँ पर बाद में खाना खाने के लिए। इसके साथ ही काफ़ी फेमस जो है रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे इर्द गिर्द। और ये देखें जी, ये तीन गेट हैं जो बिल्कुल आमने सामने हैं। बादशाह मस्जिद, सॉरी बादशाह किले का दरवाज़ा वो सामने है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। फिर बादशाह मस्जिद का दरवाज़ा है ये वाला, और ये देखें उसके आगे सामने फ्रंट पे ये है। तीनों जो दरवाजे मेन हैं वो बिल्कुल एक सिमत में एग्जैक्ट सेम बने हुए हैं। और ये साथ बिल्कुल इसके आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और इस खूबसूरत व्यू का नज़ारा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। आप यकीन करें इंतहाई खूबसूरत और पीसफुल जगह है। पाकिस्तान आए तो ज़रूर विज़िट करें बादशाही मस्जिद का, शाही किले का, मीनार पाकिस्तान का। हमारा विरसा है, हमारा कल्चर है, आप हमें आना चाहिए। ये मिडल में जो है वो एक फाउंटेन बना हुआ है, और यहाँ पर अभी तो वो नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइम में जो होता है लोग आते हैं और वो आते हैं और यहाँ पर पानी फाउंटेन जो फवारे हैं वो बड़े खूबसूरत एक मंज़र होता है। ये कॉर्नर में मैंने आपको पहले बताया कि ये रेस्टोरेंट है, तो अभी मेरे अभी ने बताया कि ये हवेली रेस्टोरेंट है जो फेमस है। यहाँ पर लोग जो हैं ऊपर बैठ के मज़े के बारबेक्यू फ्रेश वो खाते पीते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। ये देखें तो फ्रेंड्स, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।